अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ और नई बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में कंक्लूड करते हुए कहा था कि ये मेरा लास्ट जो है वो वीडियो यानी लेक्चर होगा इन्हीं इस केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से, और ये टॉपिक जो है हमारा लास्ट है केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से। और इसके बाद हमने जस्ट प्रैक्टिस करनी है अपनी एमसीक्यू की, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली जो है फ्राइडे के दिन होगी। तो अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो हम ये बात देख चुके हैं जैसे कि लास्ट अपनी वीडियो में हमने बॉन्ड लेंथ के हवाले से डिस्कस किया था। जैसे हमने बॉन्ड लेंथ की जस्ट डिस्क्रिप्शन दी थी और फैक्टर्स को डिस्कस किया था, वैसे ही मैं यहाँ पर अब इस बॉन्ड एनर्जी के हवाले से डिस्क्राइब करूँगा कि बॉन्ड एनर्जी होती क्या है। और उसके बाद फिर इस बॉन्ड एनर्जी की डिस्क्रिप्शन के बाद मैं आपसे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करूँगा जो कि इफेक्ट क्रिएट करते हैं ऑन द डिटर्मिनेशन और ऑन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द स्पेसिफिक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, तो जैसे हमने डिस्कस किया था बॉन्ड ऑर्डर के हवाले से कि इट इज द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स बॉन्डेड एटम्स, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सिंपली हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है और हम ये बात चाहते हैं कि उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन कर दें, यानी हम उसको क्या कर दें कि उसके अंदर ऑटोमाइजेशन प्रोसेस करते हुए उसे एक मॉलिक्यूल से सिंपल एटम में कन्वर्ट कर दें, सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट में उसे जो है वो तोड़ दें, तो जो हमारे पास ये प्रोसेस है इसको हम ऑटोमाइजेशन कहते हैं। और इसमें होगा ये कि जो बॉन्ड्स मौजूद थे बिटवीन द एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर वो टूटेंगे। और जब भी हम किसी एक बॉन्ड के तोड़ने की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जब बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बॉन्ड बनते क्यों हैं? जस्ट टू स्टेबलाइज द एटम्स। ठीक है, एटम्स हैं वो चाहते हैं कि एक दूसरे को स्टेबल कर दें और ऑक्टेट डुप्लेट अपना कंप्लीट कर लें। तो जब एक एटम के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनने के बाद उनका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, वो स्टेबल हो चुके हैं, तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि वो दोबारा से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएं? तो क्या होगा कि हमें इनफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी कि ताकि हम उस एनर्जी यानी उस बॉन्ड को तोड़ सकें जो कि स्टेबल बॉन्ड बना हुआ है, जो कि उन मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे बॉन्ड ब्रेकेज की बात करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, और इस एनर्जी को हम सिंपली कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये वेरी करती है फ्रॉम बॉन्ड टू बॉन्ड, और उनके लिए कौन से फैक्टर्स हैं कि जो इनकॉर्पोरेट होते हैं, जिनके थ्रू हम देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रेंथन है और कौन सा बॉन्ड ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है। ठीक है, वो हम फैक्टर्स अब इस वक्त देखने लगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये चीजें बेस करती हैं। तो हम अगर बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, ठीक है, तो जो सबसे पहला फैक्टर हम देखेंगे बॉन्ड एनर्जी के हवाले से वो है बॉन्ड लेंथ। यानी बॉन्ड लेंथ जैसे हमने पढ़ा था, हम सिंपली कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी जो है, ठीक है, किसी भी बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। यानी जितनी ज़्यादा जो है हमारे पास क्या होगी बॉन्ड लेंथ होगी, उतना ही आप सिंपली कह लें कि फ्लेक्सिबल बॉन्ड है और अल्टीमेट क्या होगा वो टूट जाएगा। ठीक हो गया, बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो एनर्जी कम रिक्वायर, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर, क्योंकि क्या है कि जब लेंथ ऑफ द बॉन्ड शॉर्टर होगी तो दो न्यूक्लियाई करीब होंगे, और जब दो न्यूक्लियाई करीब होंगे तो दोनों के दोनों न्यूक्लियाई जो है वो मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स कास्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर पे के जो मौजूद है बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी फिर इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए और इन एटम्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स ही दूसरे से बहुत डिस्टेंस पर मौजूद हैं, ठीक है, तो क्या है कि फिर इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होने की बुनियाद पर न्यूक्लियाई की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स उतनी ग्रिप ज़्यादा नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अल्टीमेट क्या होगा कि हमें फिर लेसर एनर्जी रिक्वायर है कि हम इस बॉन्ड को तोड़ दें, और जो है लोअर एनर्जी के थ्रू जो है ये बॉन्ड टूट जाएंगे और डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो एक तो हमारे पास थी बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करती है बॉन्ड जो है वो सॉरी बॉन्ड लेंथ डिसाइड करती है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या है। ठीक हो गया, दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है जैसे कि हमने देखा था अपने लास्ट टॉपिक के अंदर भी कि एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली तौर पे बॉन्ड लेंथ को कॉरस्पॉन्ड करता है, यानी बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्रीदी किरदार अदा करता है। तो सेम वे के अंदर बॉन्ड एनर्जी जो है, ठीक है, ये भी जो है हम सिंपली कहेंगे कि ये भी जो है वो इफेक्ट होगी बाय द एस कैरेक्टर। ठीक है, जैसे भी हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द एस कैरेक्टर। जितना एस कैरेक्टर में इजाफा होगा, जितना एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उतनी ही बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एस पी
में S करेक्टर चूंकि 50% है, P करेक्टर पे 50% है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड स्टेबिलिटी आप सिंपली कहने ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एस पी टू, और इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एस पी थ्री, ठीक है। और इसके साथ साथ बॉन्ड एनर्जी ना सिर्फ S करेक्टर पे डिपेंड करती है बल्कि बॉन्ड एनर्जी जो है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन आप सिंपली कह लें मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से मुराद अभी मैंने आपसे कहा था कि ये होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर से मुराद होता है कि दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सी सी ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरीके से हमारे पास सी डबल बॉन्ड है, इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्या है सी सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं, एक तो ये कि एस करेक्टर भी है यानी इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है क्योंकि एस पी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसमें एस करेक्टर कम है तो ये एस पी टू को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसमें एस करेक्टर थोड़ा है सबसे थोड़ा है तो ये एस पी थ्री को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे ऊपर हमने देख लिया था वैसे ही नीचे हमारे पास एनर्जी जो है वो यानी बॉन्ड एनर्जी के इंक्रीजमेंट ऑर्डर मैंशन किया हुआ है, ठीक है। सेम वे के अंदर जैसे हमने ऊपर बात की थी बॉन्ड लेंथ के हवाले से डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिसिटी यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिटरमाइन करता है कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी, तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है फॉर हैविंग मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इन थ्री बॉन्ड ऑर्डर है, इसके लिए जो है वो बॉन्ड लेंथ उसकी डिस्पत जो है वो ज़्यादा है, और जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो उसमें बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है और एनर्जी भी जो है वो लेसर रिक्वायर है, क्योंकि हमने देखा था बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो कहते हैं आप फिनोमिना जो है वो शो करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे कि जो जिनके मुतालिक हमने देखा कि हमारे पास ये एनर्जी यानी बॉन्ड एनर्जी को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी भी हो सकती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो किस तरीके से जो है वो इफेक्ट क्रिएट करेगा। पोलर नेचर के जो बॉन्ड्स होते हैं मोस्टली तौर पर वो क्योंकि क्या करते हैं कि पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप करवा रहे होते हैं बॉन्डेड एटम्स के ऊपर, तो उनमें कुछ किसी तरह से हम कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है, तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं वो मज़ीद स्टेबलाइज स्ट्रॉगर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो भी जो है वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है, पोलराइजेबिलिटी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा इन्वॉल्व करता है अपने यानी इसके अंदर, और ओवरलैपिंग रीजन जैसे हमने बात की थी कि जितना ओवरलैपिंग रीजन ज़्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा हम एक और बात भी देखते हैं और वो ये है कि जो दो बॉन्डेड एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, अगर जो उनका साइज कंपेरेबल है यानी दो बॉन्डेड एटम्स का साइज कंपेरेबल है, ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी ज़्यादा रिक्वायर होगी। क्यों? क्योंकि जब साइज कंपेरेबल है तो ओवरलैपिंग रीजन ज़्यादा होता है, यानी वो एटम्स के जिनका साइज कंपेरेबल होता है इनका ओवरलैपिंग रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जब ओवरलैपिंग रीजन ज़्यादा होगा तो अल्टीमेट क्या होगा कि फिर बॉन्ड एनर्जी में जो है वो क्या होगा इजाफा हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ में इंक्रीजमेंट आ रही है। अगर क्या होगा कि दो बॉन्डेड एटम्स में से एक बॉन्ड एक एटम बड़ा है एक एटम बहुत छोटा है तो ओवरलैपिंग रीजन जो है वो उस तरह से नहीं होगा, उतनी मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर होते हुए बॉन्ड एनर्जी जो है उसमें भी कमी आ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी इस तरह के बॉन्ड के लिए। तो यहाँ तक हमने देखा इस छोटे से लेक्चर के अंदर बॉन्ड एनर्जी के हवाले से डिस्कशन देखी है, बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस किया है। इस केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से अगर आप लोगों को कोई कुछ बात अगर आपने अंडरस्टैंड करनी हो, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का बनता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है हमसे पूछिएगा, हमसे जो है अपनी राय का इजहार कीजिएगा, हम उस चीज़ को पॉजिटिवली लेके चलेंगे और आपको जल्द से जल्द जो है वो उसका आंसर भी करेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और आप लोग जो है केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने बिल्डअप कर चुके होंगे, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब एक्सरसाइज करें तो हम अपने ग्रेटर बिल्डअप कॉन्सेप्ट्स के साथ उनको सॉल्व करें और वो आसानी से हमारे लिए जो है वो सॉल्व भी हो जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम एमसीक्यूज़ की एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके पास पेंसिल और आपकी कॉपीज़ वगैरह होंगी, और जैसे जैसे मैं एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट मेंशन करूँगा वैसे वैसे आप जो है कॉपरेट करते हुए खुद से भी उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के लर्निंग लेवल जो है वो और इंक्रीज़ जो है वो हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इस वीडियो में यहाँ तक ही मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ यानी एमसीक्यूज़ की एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।